हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज हम बात करते हैं वापस से यूपी टीजीटी और पीजीटी के बारे में। इसकी कोई एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट अभी तक हुआ भी है क्या? नहीं, क्या बोर्ड में सदस्यों की नियुक्ति हो गई है? अगर नहीं भी हुई है तो उन सदस्यों की नियुक्ति कब तक होगी? आज बात करते हैं इन सभी टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप सभी को एक चिंता बनी हुई है कि एग्ज़ाम डेट फाइनल हो जाए जिससे आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर दें। तो आपको इस बारे में मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ एग्ज़ाम डेट के भरोसे मत बैठिए अपनी तैयारी को लेके। आप तैयारी करें, जिन्हें एक सीट चाहिए उस वैकेंसी में वो पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, और वो बार बार अपना टाइम भी वेस्ट नहीं करते। उन्हें पता है कि वैकेंसी आ चुकी है तो एग्ज़ाम डेट भी आ ही जाएगी, अभी नहीं तो एक हफ्ते बाद सही, 2 हफ्ते बाद सही, लेकिन एग्ज़ाम डेट तो आनी है और आपका एग्ज़ाम भी होना है। तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करना बिल्कुल सही नहीं है। आप कंटिन्यूसली, अगर आपको सीट चाहिए, वाकई में सीट चाहिए, तो आप एक बार अपनी स्टडी को कंटिन्यूस करिए। रही बात बोर्ड की तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो बोर्ड की तरफ से इन्फॉर्मेशन यही है जो पहले थी कि आपका जो सदस्यों की वहाँ पर नियुक्ति होनी थी, तो उन सदस्यों की नियुक्ति को लेके अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। मतलब वहाँ पर अभी सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जो अक्टूबर मिड तक होगी। अक्टूबर मिड के बाद एक मीटिंग होगी, मीटिंग के बाद वो आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम डेट क्या है, वो अनाउंसमेंट कर देंगे, वो भी 2 महीने पहले वो अनाउंसमेंट करेंगे एग्ज़ाम डेट से। तो आप ये मान के चलिए कि आपका अक्टूबर तो ऐसे ही निकल जाना है, अक्टूबर, और फिर नवंबर और दिसंबर, तो जहाँ तक उम्मीद है कि एग्ज़ाम दिसंबर तक जा सकता है। तो इसको आप पॉजिटिव में लीजिए, कभी नेगेटिव में मत लीजिए इस चीज़ को। अगर नेगेटिव में लेंगे तो आपका पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा और फालतू में आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो इस चीज़ को पॉजिटिव में लीजिए कि हाँ, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो भी गया है तो आप इसको कंटिन्यू अपना रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, तो जिससे आपकी प्रिपरेशन को आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर पाए। अगर आप नेगेटिव वे में लेंगे कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ती चली जा रही है, हम तो जब एग्ज़ाम डेट आएगी तब पढ़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, आपको प्रॉब्लम ही होगी, इस चीज़ से आपका नुकसान ही होने वाला है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि हाँ, आपकी एग्ज़ाम डेट का अनाउंसमेंट जल्दी ही हो जाएगा। एग्ज़ाम हो सकता है दिसंबर तक जाए, तो उसको जाने दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, एक र्यूमर और फैलाया जा रहा है कि एग्ज़ाम जो है वो फेब में होगा, तो ऐसा नहीं है। बोर्ड की तरफ से ऐसे कोई भी अपडेट हम तक नहीं दी गई है कि ये एग्ज़ाम जो है वो फेब में होगा, ये सिर्फ एक अफवाह है, तो इस पे ध्यान मत दीजिए। और हाँ, अगर फरवरी तक ये एग्ज़ाम खिंच भी जाता है तो ये बोर्ड भी जानता है कि इस तरह से नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अप्रैल में उनके जो वहाँ के अधिकारियाँ हैं वहाँ पे उनके सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने वाला है। फिर वही नियुक्ति के चक्कर में ये वैकेंसी आगे अटक जाएगी और ये आने वाले मतलब 2023 तक इसको खींचा जाएगा। तो ये वो भी जानते हैं, बोर्ड भी ये जानता है कि ऐसा उन्हें नहीं करना है। एक तो सुपर टेट की वैकेंसी वैसी अटकी हुई है, बीएड वर्सेस बीटीसी का जो विवाद चल रहा है उसमें भी प्रॉब्लम है। तो अगर ये भर्तियां इन्होंने क्लियर नहीं करी तो इनको भी प्रॉब्लम होगी, इनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप इस तरह से मत लीजिए, इसको बिल्कुल भी नेगेटिव वे में मत लीजिए। आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर तक हो ही जाना है, दिसंबर नहीं तो जैन में, 2023 के जैन में ये एग्ज़ाम 100% हो ही जाएगा, क्योंकि वो इसके आगे नहीं करेंगे। क्योंकि अगर मान लीजिए इन्होंने फेब में एग्ज़ाम करवाया जिस तरह की अफवाह चल रही है, तो आप खुद सोचिए कि अगर फरवरी में एग्ज़ाम होगा तो रिजल्ट आते आते इनको मार्च अप्रैल हो जाएगा, और अप्रैल में फिर इनके सदस्य जो अधिकारी गण हैं वहाँ के, उनका कार्यकाल ख़त्म हो जाना है। तो वो कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा तो फिर वापस से वही समस्या आएगी, किस तरह से ये नियुक्ति करेंगे, किस तरह से ये सारी प्रॉब्लम्स इनके सामने आएंगी। तो ये खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अभी वाले सदस्यों की नियुक्ति होए, जिसकी वजह से ये वो वैकेंसी को आगे करेंगे। अगर दिसंबर में एग्ज़ाम कराते हैं तो ये जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए और ये भर्तियां हो जाएं। तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आप र्यूमर्स पे ध्यान बिल्कुल मत दीजिए कि फेब में एग्ज़ाम है या कभी एग्ज़ाम है, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। जब आपकी डेट आ जाएगी तो बस आपको सिर्फ इतना काम करना है कि अपनी तैयारी जो आप कर रहे हैं उस प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा फास्ट कर देना है, बस सिर्फ इतना काम है डेट से आपको। और अभी तक आप जो कर रहे हैं ना, वो कंटिन्यूसली अपना काम करिए। अपने नेक्स्ट वीडियो एक इस चीज़ पर मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी क्या रखें, जो यूपी टीजीटी पीजीटी अगर हम पर डे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, 2 घंटे 3 घंटे ही दे पा रहे हैं, तो क्या हम 40 to 60 days के अंदर अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं? तो जो बिल्कुल कर सकते हैं, सिर्फ एक स्ट्रेटेजी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी, एक गुड स्ट्रेटेजी
आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपका एग्ज़ाम क्रैक करने में, या फिर आपकी लाइफ के डिसीजन ले लीजिए। अगर आप एक गुड स्ट्रेटेजी से चलते हैं तो आपके लिए जो पाथ है ना वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो। ऐसे एग्ज़ाम का सीन है, अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी लेकर चलते हैं तो हार्ड से हार्ड एग्ज़ाम आप बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हो। ये तो सिर्फ टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है जो हमने 12th से लेके हमने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ा है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। सिर्फ एक स्ट्रेटेजी को लेके चलना है कि आपको इस तरह से पढ़ना है और इस तरह से आपको आगे इसको कवर करते चलना है, जिससे अपन जैसे मान लीजिए 40 डेज आप देते हैं इस एग्ज़ाम को, तो 20 डेज आपके पास रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए बचे। मॉक टेस्ट भी आप नहीं देना चाहते तो कोई भी जो लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनको ले लीजिए आप, उसको वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर आप बुक भी ले सकते हैं, मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, तो वो भी आप उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इतने में आपका एग्ज़ाम आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये मानती हूँ कि सीट्स बहुत कम हैं, सीट कम हैं, पर वो सीट सिर्फ उसी को चाहिए जो मेहनत कर रहा है ना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेहनत करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप सीट मतलब सीट ले पाएँ। और बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है इस चीज़ को लेके कि किस तरह से अपना डेली रूटीन या शेड्यूल बनाएं कि अपना बाकी सारे एग्ज़ाम की तरह इसका भी एग्ज़ाम दे पाएँ और ये एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने इसको पढ़ा है अच्छे से कम 5-7 साल तक पढ़ा है, वही आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर आप एक गुड स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो। तो गाइस यहाँ मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ, तो प्लीज़ इस बात को लेकर टेंशन मत लीजिए कि आपका एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम डेट क्या है आपकी, वो आपको पता चल जानी है। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको क्या होगा कोई भी अपडेट होगी तो आपको मिलती रहेगी इस वजह से। और प्लीज़ यूट्यूब पे स्क्रॉल करना बंद करिए, वीडियो सर्च करना बंद करिए कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। इस चीज़ का फ़ायदा उठा के यार लोग अच्छे अच्छे थंबनेल लगाकर आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं और आप हो जाते हैं अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपना मूड स्पॉइल करते हैं और यहाँ आपका हो जाता है नुकसान। तो हमें वो नहीं करना है जो आपके, मैं ये नहीं कह रही हूँ मेरा ही चैनल, लेकिन हाँ जो कोई बहुत ज़्यादा टेस्टेड आपके चैनल हो, जिन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो, जिन टीचर्स पे, जिन मेंटोर्स पे, तो उनको ही फॉलो कीजिए। और सबको आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप किस तरह से आप सभी के वो देख रहे हो कि हो सकता है इसने अपडेट नहीं दी ये दे दे, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कोई भी अपडेट आती है जो आपके ट्रस्टेड चैनल है वो आपको अपडेट बिल्कुल सही देते हैं और चार जगह से पता करके कन्फर्म करके ही देते हैं। तो इस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा हार्डली मत लीजिए, आप नॉर्मली लीजिए, आएगी एग्ज़ाम डेट हमें पता चल जाएगा, ठीक है। अभी आपका जो काम है आप वो करिए, अगर आपको सीट चाहिए है तो रिविज़न करिए अपना, जो टॉपिक आपके क्लियर नहीं थे लास्ट ईयर से वो उनको क्लियर करिए और बहुत ही आसानी से आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कोई भी अपडेट आती है एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं आपको तुरंत दूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी को क्रैक करने की स्ट्रेटेजी क्या रखें, जो हम दिन में कम से कम 2-3 घंटे देकर उसको क्रैक कर लें आसानी से। ओके गाइस, तो कीप वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।